Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Yes Show. Thank you so very much for being here. एक दफा का जिक्र है कि एक था कॉन्ट्रैक्टर, जिसको उर्दू में कहते हैं ठेकेदार। वो घर बनाता था और पिछले 20 सालों से वो एक ही मालिक के साथ घर पे घर बनाए जा रहा था और उसने बहुत कम वक्त अपनी फैमिली के साथ इन 20 सालों में गुजारा। उसने रिक्वेस्ट किया कि मालिक मुझे कोई 6 महीने की इकट्ठी छुट्टी दे दे। मालिक ने कहा ठीक है, छुट्टी पे चले जाओ, मगर जाने से पहले, चूंकि लंबी छुट्टी है, एक आखिरी घर बना दो, उसके बाद फिर छुट्टी। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आखिरी घर मैंने नहीं बनाना, मुझे तो आप जाने दीजिए। लेकिन वो बॉस था, उसने अपना हुक्म जारी किया, इसको छुट्टी नहीं दी, इसको घर बनाना ही पड़ा, बादले न खास्ता। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ने यह फैसला किया कि वो भी बदला लेगा। वो जो छुट्टी नहीं मिली ना, उसका हिसाब पूरा करेगा। उसने क्या किया, उसने जानबूझ के ये जो आखिरी घर बनाने के लिए उसको कहा गया, उसने जानबूझ के ये घर बनाने के लिए घटिया मटेरियल का इंतखाब किया। जानबूझ उसको सब पता था कि अच्छा घर कैसे बनता है, सारे उसूल उसको फिंगर टिप्स पे थे, मगर ये वाला घर बनाने के लिए उसने उनमें से किसी उसूल को इस्तेमाल नहीं किया। वो घर बना के फिनिशिंग टचेस दिया करता था, बट इस बार उसने ऐसा नहीं किया। वो डिजाइन की टीम से इन्वॉल्व होता था, सबको एंगेज करता था, मगर इस बार उसने जान छुड़ाई। सादा लफ्जों में अगर उसका लेवल था कि वो यहां पे घर बनाए इस दर्जे का, तो उसने बस इस दर्जे का घर बनाया ताकि किसी ना किसी तरह से जल्दी से जान छूटे और वो अपनी छुट्टी पे जाए। एक दिन उसने मालिक को कॉल किया, मालिक द हाउस इज रेडी फॉर द इंस्पेक्शन, घर तैयार है, आइए। तो यहां पे खड़ा था वो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ठेकेदार, और यहां पे खड़ा था घर का मालिक, और उसने यूं चाबी पकड़ी और उसने कहा कि सर ये घर पीछे तैयार है, ये पकड़िए चाबी। मालिक ने उस घर की चाबी पकड़ी, उसकी तरफ देखा और कहा कि तुमने और मैंने 20 साल इकट्ठे गुजारे, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की, ये घर मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। ओह माय गॉड। और यहां पे खड़ा था बेचारा वो ठेकेदार, शर्मिंदा, पानी पानी, पछतावे के अंदर डूबा हुआ, और कह रहा था अपने आप से काश मुझे पता होता कि ये जो घर मैं बिल्ड कर रहा हूं ये मेरा अपना जाती घर है, तो मैं इसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से बिल्ड करता, बेहतरीन स्लाइड लगाता, और अगर मैं इस लेवल का घर बनाता हूं इससे पहले तो इस लेवल को थोड़ा और ऊंचा करता। मगर दोस्तों अब कुछ हो नहीं सकता। और खवातीनों हजरात, फैक्ट ये है कि बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्टर की तरह हम सब भी अपनी जिंदगी का एक घर बना रहे हैं। हर रोज अपने हिस्से की एक ईंट, ब्रिक बाय ब्रिक हम ये घर बना रहे हैं। अपनी जिंदगी के ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर हम खुद हैं। लेकिन कई बार हम फड्डा कर लेते हैं, कभी अपने बॉस के साथ, कभी अपने वालिदैन के साथ, कभी अपने स्पाउसेस के साथ, और जानबूझ के हम अपना बेस्ट नहीं देते। हम अपनी जिंदगी को बिल्ड करने के लिए घटिया मटेरियल, घटिया ख्यालात, बुरी सोचों का इंतखाब करते हैं, बुरी अकदार का इंतखाब करते हैं, बुरी आदतों को अपनाते। हमें अल्लाह ने सलाहियत दी है कि हम यहां पे जाके जिंदगी गुजारे, मगर हम यहीं पे जिंदगी जी के वापस चले जाते। हमें जिंदगी गुजारने के सारे जरिए उसूल जुबानी याद है, और कुछ रोज आते हैं और आगे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, मगर उनमें से किसी उसूल को अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और फिर बाद में पता चलता है कि ये जो हम बदला ले रहे थे अपने माँ बाप से, अपने बॉसेस से, अपने कॉलीग से, जिनसे फटा करके, जिनके सिरे चढ़ के हमने अपना बेस्ट नहीं दिया था, पता चला हमने उनकी जिंदगी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर हमने बिगाड़ा तो अपनी जिंदगी। दोस्तों मैं चाहता हूं, जो आप लोग खासतौर पर सुन रहे, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को इस तरह से जिए कि कल को जब मालिक, वो मालिक हमारी जिंदगी की चाबी हमारे हाथ में दे, तो यहां पे चाबी रिसीव करते हुए हमारे दिल में शर्मिंदगी ना हो,
बल्कि फख्र का एहसास हो और हमें ये इत्मीनान हो कि हम जो कर सकते थे हमने किया। जैसी जिंदगी जीने की इस्तेआत और सलाहियत उस परवरदिगार ने हमें दी थी, हमने वो जिंदगी जीने की सच्ची पूरी और खरी कोशिश की। अगर उस जिंदगी की तरफ एक और कदम बढ़ाने के लिए आप तैयार हैं जो आपके ख्वाबों में बसती है, तो कैसर अब्बास का पैगाम है, शाबाश, तुम कर सकते। और है दोस्तों, हम क्विकली टीमों का इंट्रोडक्शन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम किससे टकराने वाली है। सबसे पहले हम इस टीम का इंट्रोडक्शन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुहाना। सुहाना, सुहाना, ये वही है सुहाना जो मौसम होता है। एक्सलेंट, ब्यूटीफुल नेम। सुहाना, क्या करती हैं आप? मैं नर्सिंग करती हूँ, हॉस्पिटल जॉब करती हूँ। आप नर्स हैं, जबरदस्त, एक्सलेंट, यू आर इन अ ग्रेट प्रोफेशन, माशाल्लाह। थैंक यू सर। यस, आई एम सादिया। सादिया, सादिया, व्हाट डू यू डू? आई एम जॉब होल्डर। आप जॉब करती हैं? या। एंड आई एम मोहम्मद आतिफ और मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मोबाइल शॉप का। मोबाइल की शॉप है, वाह, मोबाइल मिलेगा? आप आए, जबरदस्त। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सर, मैं हुमैरा बाइकर। हुमैरा बाइकर? बाइकर, बाइकर मतलब बाइक चलाने वाली। बाइक चलाती है, वाओ, आई एम आल्सो अ बाइकर। तो मैं अपना नाम कैसर बाइकर रख लूं? नो सर। सब जानते हैं कि बाइक की वजह से, मतलब मैंने काफी चलाई है, बाइक पर स्टंट भी किए थे। आप समर खान को जानती है? नहीं सर। समर खान वो पहली पाकिस्तानी लड़की है जिसने ग्लेशियर्स के ऊपर जाके साइकिल चलाई और फिर साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर। शी इज एन अमेजिंग गर्ल, यू मस्ट मीट हर। हुमैरा बाइकर जी, फैंटास्टिक। एंड यू? ज़ारा। ज़ारा जी, ज़ारा क्या करती है? मॉडल और एक्टर। मोटरसाइकिल चलाती है? मॉडल एंड एक्टर। अच्छा, सॉरी सर, मॉडल एंड एक्टर। यस। एंड आई लाइक योर हेयर स्टाइल, यू लुक वेरी गुड। थैंक यू। वन डे यू आर गोना बिकम अ ग्रेट मॉडल, तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी उस वक्त? नहीं। गिव मी योर ऑटोग्राफ ड्यूरिंग द ब्रेक। एंड वी हैव, मेरा नाम हैदर है और मैं स्टूडेंट हूँ। हैदर है और अभी स्टूडेंट है। yes, आप लोग आपस में क्या है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं? फ्रेंड्स हैं। कॉलीग्स हैं? फ्रेंड्स हैं। और आपको पता है कि इस शो के एंड पे इंशाल्लाह जब आप जीतेंगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इनाम है। मैं रिवील कर देता हूँ जीतने वाली टीम को। 7 क्वेश्चंस में पूछता हूँ, 7 सिनेरियोज हैं और उन सवालों के जवाब आप देते हैं। इप्सॉस जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है और इप्सॉस ने पहले ये सवाल दुनिया में पाकिस्तान के अंदर हजारों लोगों से पूछे। उन सवालों के जवाब से अगर आपके जवाब मिल गए तो आप पहुंच जाएंगे उस मरहले पे, आप दोनों में से एक टीम जो क्वालिफाई करेगी उस राउंड के लिए जिसमें आप खेलते हैं, और अ ब्यूटीफुल हाउस और अ विला, जो कि वेरी मच पॉसिबल है कि आप यहां से आज जीत के जाएं। और ये एक ऐसा कुछ है जिसपे आपने दिमाग कम लड़ाना होता है, दिल ज्यादा लड़ाना है। आपने अपनी जहानत कम इस्तेमाल करनी है और अपनी सूझबूझ का ज्यादा इस्तेमाल करना है, अपने इमोशंस और जज्बात की जो सलाहियत और ताकत है उसको इस्तेमाल करना है। सो आर यू रेडी टू प्ले? यस सर। आर यू एक्साइटेड? यस। आई थिंक दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी टीम 1। ऑलराइट, सो कैन वी स्टार्ट? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। एक्सीलेंट। सो पहला सिनेरियो, ये सिनेरियो बेस्ड शो है, सवाल नहीं है, सिनेरियो है। मेरे एक सूरत हाल है, आपका एक एम्प्लॉई, आप बॉस हैं, आपका एक एम्प्लॉई आपसे बीमारी का बहाना करके छुट्टी लेता है। अगले दिन आप अपनी गाड़ी में मीटिंग पे जा रहे हैं और एक चौक पे इशारे पे आप रुकते हैं तो वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता हुआ आपको नजर आता है। वही तो कहता है मैं बीमार हूं। अब आप क्या करेंगे? मैं उसको एंजॉय करने दूंगा क्योंकि वो भी एक इंसान है। वो भी एक इंसान है, मैं उसको एंजॉय करने दूंगा और उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। उसको कुछ नहीं कहेंगे? अगर आप उसको कुछ नहीं कहेंगे तो आपको मिलेंगे अपनी टीम के लिए पूरे 21 पॉइंट्स। थैंक यू। गुड स्टार्ट, इट्स अ बिग स्टार्ट। थैंक यू। और यस सर, आतिफ, यस सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सर मैं उससे वजह पूछूंगा कि उसने मेरे साथ चीट क्यों किया। आप उससे वजह पूछेंगे? अगर आप उससे वजह पूछेंगे तो हमारे पास जवाब है, वजाहत का मौका देंगे। जी। तो आप वजाहत का मौका देंगे? जी सर। तो हमारे सर्वे के हिसाब से इप्सॉस ने भी बताया कि 16% बॉसेज ऐसे हैं जो अपने उस एम्प्लॉय को वजाहत का मौका देंगे।
So you won 16 points. Not a bad start. Good one. Zara, what will you do? बस मैं उसे यही बोलूंगी कि झूठ क्यों बोला है आपने। आप उसे क्या करेंगी? झूठ क्यों बोला? छुट्टी लेनी थी तो वैसे ले लेते बोल के। आप पूछेंगी क्यों बोला है? जी। Right. झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जी। तो इसको हम क्या कहें? क्या आप उसको बताएंगी या उसको समझाएंगी क्या? बस समझाऊंगी कि झूठ नहीं बोलते। जी। Right. तो ये जो मैंने कहा आप उसको बताएंगी या आप उसको समझाएंगी, इसमें मैं आपकी साइड पे था। तो मैंने आपके पॉइंट्स जो हैं वो 13 से 16 कर दिए। जोरदार तालियां, वेल डन। एंड हियर यू गो सादिया। मैं पिक्चर क्लिक करूंगी उसकी, उसको व्हाट्सएप करूंगी और उससे पूछूंगी तुम तो बीमार थे। आप उसको व्हाट्सएप करेंगी और कहेंगी कि तुम तो बीमार थे? तो बीमार थे और तुम ये क्या कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? तो आप उसी वक्त उसको ऑन द स्पॉट, अगर आप उसको ऑन स्पॉट इस तरह का मैसेज करेंगी या उसको पकड़ेंगी तो आपको मिलेंगे 13 पॉइंट्स। नॉट बैड, गुड वन। उमेरा। सर मैं उसे पूछूंगी उसकी तबीयत का, क्योंकि उसने तबीयत का बोला था कि मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने उसको जब रोड पे देखा कि वो खुश है तो ठीक है, तो फिर मैं उसे तबीयत का पूछूंगी आपकी तबीयत कैसी है, आपने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। राइट, आप उसकी तबीयत का पूछेंगी? जी, पहले तबीयत का पूछूंगी फिर उसके बाद रीजन पूछूंगी। अगर उसने कहा कि मैं ठीक हूं तो फिर पूछूंगी कि आपने झूठ क्यों बोला। राइट, आप उसको तबीयत का पूछेंगी और फिर आप उसको कहेंगी झूठ क्यों बोला, वो तो बात हो चुकी है, लेकिन इसमें जो पहले तबीयत का ही पूछोगे, अगर उसने बोला कि वो, आप उसकी तबीयत का पूछेंगी तो इप्सॉस की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान का कोई बॉस ऐसा नहीं जो इस सर्वे में कहता हो कि मैं उस एम्प्लॉय की तबीयत का पूछूंगा जो मुझे सड़क पे सरेआम घूमता हुआ दिखाई दिया। तो अनफॉर्चुनेटली यू आर गेटिंग 0 point. Oh no! सुहाना। सर मैं बॉस को बता दूंगी कि ये झूठ बोल के एंजॉय कर रहा है। ओके, आप बॉस को बताएंगी अपने बॉस को कि ये झूठ बोल के एंजॉय कर रहा है? झूठ बोल के एंजॉय कर रहा है। राइट, अगर आप उसको अपने बॉस की शिकायत, बॉस को शिकायत करेंगी और उसको सजा दिलवाएंगी या उसको डांट पड़वाएंगी तो आपको मिलेंगे पूरे 17 पॉइंट्स। जबरदस्त। दोस्तों असल क्वेश्चन ये है कि आपके एम्प्लॉय को आपके साथ झूठ बोल के घूमने फिरने की जरूरत पेश क्यों है? उसने क्यों आपसे ये नहीं कहा कि सर कल मेरा दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान है, मुझे छुट्टी चाहिए? उसने क्यों ये कहा कि मैं बीमार हूं? सवाल ये कि हम बहाने क्यों बनाते हैं, हम सच क्यों नहीं बोलते? क्यों हमारे बच्चे हमें सच बात बताने की बजाय वो एक बहाना तलाश करते हैं, बताते वो हमें कुछ और हैं, पाए वो कहीं और जाते हैं? Why? ये सवाल मैं अब आप लोगों से नहीं पूछ रहा, ये सवाल मैं पूरे पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ। मैं उन बॉसेस से मुखातिब हूँ, उन वालिदैन से मुखातिब हूँ, उन असातिज़ा से मुखातिब हूँ जो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो लेवल ऑफ कंफर्ट बिल्ड नहीं करते जिसमें वो आगे आके बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के आपको सच बता सकते। तो यहाँ पे हम बड़े आसानी से कहेंगे कि जो एम्प्लॉई है वो बड़ा झूठा है। अब ये पर्सपेक्टिव तो सबको पता है, तो कैसर अब्बास शो हम कर ही इसलिए रहे कि हम वो माइंडसेट्स जो सेट हो चुके हैं हम उस माइंडसेट को थोड़ा सा हिलाएं, आपकी सोच को थोड़ा सा झटका दें और सोचने का, समझने का, परखने का एक नया जाविया आपके सामने पेश करें और हम सोच का एक नया दरवाजा आपके सामने खोलें। तो यहाँ पे बड़ा आसान है कहना कि एम्प्लॉय झूठा है और बहुत तकलीफ दे है ये मानना कि मैंने उस एम्प्लॉय को, वो जब से मेरे साथ है आज तक ये कंफर्ट नहीं दी, आज तक उसके साथ ये रिश्ता बिल्ड नहीं किया कि वो मुझे अपने दिल की बात खुल के बता सकता हूँ। सो मैं बॉसेस को और पेरेंट्स को और टीचर्स को और वो लोग जो इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो इसमें सजा की तरफ एक ऑप्शन हमारे पास आया, उसको सजा देंगे, एक और भी है वीडियो बना लेंगे,
राइट। सो सजा देने की तरफ जो ध्यान जाता है, इससे जरा हट के एक लम्हे के लिए सोचें कि क्यों ना मैं, ये इंसिडेंट तो हो गया, अब इस इंसिडेंट को, इस वाक्य को मैं एक मौका समझूं कि मैं उससे ऐसी कॉन्वर्सेशन करूं कि उसके साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से बिल्ड करूं, ताकि अगली दफा उसको झूठ बोल के मुझसे छुट्टी ना लेनी पड़े। यू एग्री विद मी ऑन दिस? यस सर। एक्सलेंट, सो यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मैं अपनी स्कोरिंग टीम से पूछूंगा कि टीम वन और टू का पहले सवाल के बाद, पहले सिनेरियो के बाद क्या स्कोर है। सो पहले सिनेरियो के एंड पे टीम वन का स्कोर है 37, और टीम टू, तुम लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया, तुम लोगों का स्कोर है सिर्फ 46। राइट, सो अब हम क्विकली आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आर यू रेडी फॉर इट? और अब आपका स्कोर कम है, इनका ज्यादा है, तो मैं आपकी तरफ हूं, आपने बाउंस बैक करना है, राइट? और मैं आपसे कहूंगा शाबाश, तुम कर सकते हो। सो क्वेश्चन है कि आपके दोस्त ने, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा पहले, आपके दोस्त ने अपनी बहुत कीमती घड़ी आपके पास रखवाई, मगर अब वो आपसे कहीं गुम हो, वो आपसे घड़ी वापस मांग रहा है, मगर आपको वो मिल ही नहीं रही, अब आप क्या करेंगे? सुहाना सर, उसको सच बता दूं कि गुम हो गई है। सच बताएंगी कि गुम हो गई है तो हमारी तरफ से आपको मिलेंगे पूरे 15 पॉइंट सच बोलने के। उमेरा सर, मेरे से गुमी है तो मैं उसको न्यू ले, आप उसको नई घड़ी ले देंगी बिल्कुल वैसी? जी सर। तो ये क्वेश्चन हमने इप्सोस के जरिए हजारों पाकिस्तानियों से पूछा, और सिर्फ 17% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम नई घड़ी लेके देंगे। आप समझ गई आपका स्कोर कितना है? 17। मैं उससे झूठ बोल दूंगी कि घर रह गई है या मैं रख के भूल गई हूँ। ओके, सो आप उससे झूठ बोलती रहेंगी और कहेंगी मैं घर रख के भूल गई हूँ, राइट? या तो उसको टाल मटोल करती रहेंगी। ऑलराइट, सो टाल मटोल करने के हम आपको देते हैं पूरे 21 पॉइंट्स। जारा, मैं उसे यही बोलूंगी कि अभी तक मुझे जरूरत है, जब मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी आपको दे दूंगी। आप कहेंगी कि अभी मुझे जरूरत है? जी, अभी मैं आपको नहीं दे सकती। अभी नहीं दे सकती जी। और मैं चाहूं तो मैं आपको जीरो स्कोर दे दूं, मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं। टाल मटोल हो गई है ना, उन्होंने कहा कि बाद में देती हूं, अभी नहीं दे सकती। तो जरा थोड़ा अलर्ट रहना है, वो नहीं कहना तो पहले कहा जा चुका है। उसे मैं यही कहूंगी कि अपने मैंने किसी दोस्त को दे दी है, तो फिर जब वापस दूंगी तो ले लेना, वापस मिलेगी तो ले लेना। आप क्या कहेंगी कि दूंगी या नहीं दूंगी? दूंगी। आप कहती हैं कि मैं दूंगी? जी। ओके, अभी मेरे किसी दोस्त के पास है। जा चुका है, वैसी नई घड़ी लेने की बात भी हो चुकी है, अपने टाल मटोल करके वक्त भी मांग लिया है। अब दो तीन और हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर आपका जवाब उनसे मैच किया तो आपको स्कोर मिलेगा। बाय द वे ख्वातीनो हज़रात, इस शो के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तानी मुख्तलिफ सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल रिसर्च जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रिसर्च की इप्सोस ने अलिफ टीवी के साथ मिलकर कंडक्ट की है। सो कीप वॉचिंग दीज रिजल्ट्स। ज़ारा, मैंने आपको काफी मौका दिया, पैसे दे दूंगी उसे। पैसे दे देंगी जी? अगर आप उसको घड़ी के बदले में पैसे देंगी तो हम आपको देंगे पूरे 12 पॉइंट्स। देखा, मैंने आपको पुश किया तो जवाब आपके अंदर से निकल आया जी। तो मैं फिर यहाँ पे रुके पूरे पाकिस्तान को मैसेज देता हूँ कि जवाब लोगों के अंदर मौजूद है, आप उनका गलत जवाब पकड़ गए जल्दी से उनके ऊपर ठप्पे ना लगाएं कि उनको जवाब नहीं आता। आप थोड़ा सा उनके साथ सबर करें तो वो जीरो से 12 तक पहुंच सकते हैं। गुड ज़ारा, थैंक यू। सादिया, सॉरी, मेरा दोस्त आतिफ। जी सर।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे कन्वेंस करूँगा कि यार तुम्हारी घड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, तो अगर तुम मेरे दोस्त हो तो काइंडली मुझे ये गिफ्ट कर दो। और अगर वो नहीं मानता देन मैं उसे बताऊँगा कि यार मुझसे खो गई है, लेकिन आई विल रिटर्न यू, मैं आपको ज़रूर वापस कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास नहीं। अगर आप अपनी घड़ी उसको कहेंगे कि मुझे गिफ्ट कर दो, राइट, तो आपको मिलेंगे मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से पूरे 0 points। तालियां। Oh, no! क्योंकि हमारे सर्वे में किसी ने ये नहीं कहा कि घड़ी वैसे अच्छा आइडिया है, वो मांगता रहे आपको मुझे गिफ्ट कर दो, वो कहेगा भाई पहले दो तो सही मुझे। सो यू गॉट टू बी नो वरीज, यू गॉट टू बी कॉशियस। मैं उसे कहूंगा कि मुझसे अभी अभी गिरी है, मैं उसके सामने एक फेक इंसान बन जाऊंगा। आप कहेंगे अभी अभी? हाँ, मैं कहूंगा अभी अभी गिरी है, बिल्कुल अभी मुझे पता भी नहीं। ऑल राइट, अगर आप कहेंगे अभी अभी गिरी है या चोरी हो गई तो भी हमारे सर्वे, आइडिया बुरा नहीं है लेकिन है ये झूठ। तो अगर आप ये कहेंगे कि अभी अभी गिरी है तो मैं आपको प्रिसाइसली उतने ही नंबर दूंगा जितने मैंने आतिफ को दिए। तो जो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, उसमें एक था कि मुकर जाएंगे, कौन सी घड़ी कौन सी घड़ी, कब दी थी, कोई गवाह है तुम्हारे पास? और एक बड़ा स्कोर आया इस बारे में कि अपनी घड़ी उसको दे दे, नई घड़ी की बजाय अपनी घड़ी, कहेंगे यार वो तो नहीं है बस तू मेरी रख ले ये घड़ी, कीमत उतनी ना हुई तो। मतलब लोगों ने जो जवाब दिए सर्वे के हिसाब से उसमें, बाय द वे, दो यूनिक बड़े अच्छे जवाब थे। इतना इजी आपका जवाब भी अच्छा था कि मैं गिफ्ट के तौर पे मांगूंगा जबरदस्ती का गिफ्ट, और आपका आपकी घड़ी पे है। सो असल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, आप लोगों ने पाकिस्तान के जवाब सुने, आपने अपने जवाब भी सुने, और मैं यहाँ पे रुक के सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो अमानत है, जो कोई आपके पास कोई अमानत जब रखवा देता है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सीरियस मामला है। हम खुशकिस्मत है, हमने बचपन में इस्लामियात पढ़ी और उन्होंने बड़ी हमें हदीसें और आयतें रटा करवाई। आप अपने मज़हब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो सबसे बड़ी एक उनका लकब है या उनकी पहचान है वो क्या थी, उनकी अमानत, वो अमीन थे। और हम सब ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है बट उसको शायद अपनी ज़ात के ऊपर लागू नहीं किया। जब हम दूसरी तीसरी चौथी क्लास में थे तो पढ़ते थे कि कुफारे मक्का अपनी अमानतें आपके पास रखते थे। क्यों? अमानत किसके पास रखी जाती है? जिसके बारे में यकीन हो कि ये महफूज है, इनके पास ये मुकरेगा नहीं कल को, तो वो आपके पास अमानतें रखते थे। और उससे भी बड़ा वो इंसिडेंट है जिसको फिर हम पढ़ते हैं और उस पर रुक के रिफ्लेक्ट नहीं करते कि जब आपने हिजरत की है मदीना की तरफ तो क्या हिजरत सुकून में की है? आपने तकलीफों को बढ़ते हुए देखा और इतनी अजियत और तकलीफ बढ़ गई कि आपको अपना वतन, अपना शहर छोड़ना पड़ गया। और आप सबने पढ़ा है कि जब हिजरत की रात थी तो उसमें आप जब हिजरत करके जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फिक्र से वो सारी अमानतें हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दी और कहा कि आप रुकिए और ये अमानतें काफरों को वापस करके फिर मदीने तशरीफ लाइए। यानी इस हालत में कि वो दुश्मन है, आपकी जान के दुश्मन है, आप पे कातलाना हमले कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों की अमानत देने की भी आपको इतनी फिक्र है कि आप हज़रत अली को कहते हैं कि ये मेरे बिस्तर पे सो जाओ जिसमें वो कुफार तलवारें लेके खड़े हुए। तो आप उस हालत में भी, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, इट वाज लाइक अ क्राइसिस सिचुएशन, तो वहां पे अगर वो हमारे लिए एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि अमानत दे के जाना है, तो फिर हम जो उनके नाम लेवा हैं और उनसे मोहब्बत और अकीदत का दम भरते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि हम, हमारे ऊपर कोई भरोसा करता है, अमानत देता है? मेरे भाई के एक दोस्त हैं प्रोफेसर अमजद रामे साहब, तो मैंने आज उनकी फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी कि किसी को उन्होंने 66,10,000 रुपया दिया और वो वापस ही नहीं कर रहे, वो मौलाना है और उन्होंने उनका नाम आज लिखा हुआ था। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी हैव बिकम कि हम
जिनको मानते हैं, जिनके नाम लेवा हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने की बजाय हम उनकी सीरत को नजरअंदाज करके, सो खवातीन हज़रात, ये जो अमानत है, इट्स अ सीरियस मैटर। आई फेल लाइक स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कोई आप पे भरोसा करता है, उसके भरोसे को मत तोड़िए। इससे पहले कि हम तीसरे शेरू की तरफ जाएं, आई थिंक आप बड़ी तवज्जो से ये मेरी बातें सुन रहे थे, और इस मौके पे यू नीड अ ब्रेक। अवधी रोजरात, दूसरे शेरू के इख्तिताम पे टीम वन का स्कोर है 66 और टीम टू पहुंच गई है 82। बड़ा गैप है, मैंने कहा भी था बाउंस बैक करो, और ये आखिरी मौका मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, इसमें बाउंस बैक करना है। क्वेश्चन ये है, सिनेरियो, आप अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर खाना खाने गए, और आपकी एक 5 साल की बेटी है, वो वहां पे सबको तंग कर रही है, और आप जाके उसको जरा रोकते तो वो आपसे आगे से बदतमीजी करे, आप क्या करें? सबसे पहले जवाब देंगे हमें सादिया। मैं उसे मोबाइल पकड़ा दूंगी। अब उसे मोबाइल पकड़ाएंगी तो आपको मिलेंगे पूरे 0 नंबर। ओह नो। ज़ारा, मैं उसे समझाऊंगी, ऐसे नहीं बोलते। आप उसे समझाएंगी जी, और अगर आप उसे समझाएंगी तो आपको मिलेंगे पूरे 29 points। यस, शाबाश, कम बैक। सुहाना, कोई सुहाना सा जवाब निकालो। बच्ची है, तंग कर रही है, उसको उठा के ले जाऊंगी और गोदी में लेके खिलाऊंगी। बच्चे तो तंग करते ही है, बच्चे तो तंग करते हैं, प्योर खाने के लिए उसको लेके दूंगी। ऑलराइट, हमारे पास जो जवाब आया है वो है कि बच्चे तो होते ही ऐसे, और सुहाना ने कहा है बच्चे तो तंग करते ही हैं, तो क्या मैं इनको पॉइंट दे दूं? No point. यार, no, बनते हैं पॉइंट, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। नहीं बनते हैं, बनते हैं। 16% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बच्चे तो होते ही ऐसे। Oh yes. Round of applause, तालियां, 16 points. शाबाश। उमेरा, उसको वो चीज दे दूंगी जिससे उसको खुशी मिलती है, ये वो चुप कर दे, ये तंग ना करे। आप उसको कुछ ऐसा देंगी जिससे उसे खुशी मिलती है, उसका ध्यान उस साइड पे चला जाए, ध्यान दूसरी साइड पे चला जाए, तंग ना करे। ये सारे बड़े अच्छे बनने की कोशिश कर रहे तो इसीलिए स्कोर भी नहीं मिल रहे। समझाएंगी प्यार से, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कौन सी माँ है जो पब्लिक में बेइज्जती करा के तो कहेगी कि बच्चे तो होते ही ऐसे हैं? और क्या कर सकती हूँ, मेरा आई गिव यू अ हिंट, अगर बुरी माँ बनना है तो फिर आप डांट भी सकते हैं, डांट के चुप चुप करवाएं, उसको डांटेंगी तो आपको मिलेंगे 23 points। ओह यस, अपने ऑप्शंस को खोलो, अच्छे इंसान बनने की बजाय ये सोचो पाकिस्तान क्या सोच रहा है। दो तरह ही होते ना इंसान, अच्छे भी और बुरे भी। आतिफ, सर मैं पहले तो अगर उसने किसी के साथ बदतमीजी की है तो मैं उनसे एक्सक्यूज करूंगा, देन बच्चे को प्यार से समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो प्यार को समझते हैं, अगर उनको डांट के समझाएंगे तो वो मजीद जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। एक्सलेंट, शाबाश आतिफ, आपको मिल रहे पूरे 15 points। मैं उसे मारूंगा। आप उसे मारेंगे? तुम छोटी बच्ची को मारोगे? Yes. तुम कैसी माँ हो? मैं बुरी माँ हूँ। तुम उसे पाकिस्तानी माँ ऐसी होती है? मारोगी? Yes. Alright. So हमने सवाल पूरे पाकिस्तान से किया तो 12% पेरेंट्स ने कहा, माँ ने कहा कि हम मारेंगी। So मैं हैदर को दे रहा हूँ पूरे 12 points। Big round of applause for team one. Alright. So ख़वातीन हज़रात, ये जो बच्चे पब्लिक में बदतमीजी करते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, तो ये हमारा इम्तिहान ले रहे होते हैं, ये हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं देखो इधर तो आप जो मर्जी करें अब तो क्या करोगे, तो ऐसे में अक्सर माँ बाप जो है बच्चों के बिहेवियर को अपनी इज्जत का मसला बना ले। सो 5 साल बेटी के बिहेवियर को अपनी अना का मसला ना बनाए। हम क्या करते हैं कि जो सामईन हैं, जो लोग हैं,
कि वो क्या कहेंगे, इनकी बच्ची काबू में नहीं है, तो उनको खुश करने के लिए अपने बच्चे को डांटते हैं, जो कि आपने किया हो मेरा, अपने बच्चे को मारते हैं जो कि हैदर तुम जैसी माँ ऐसा करती है, और हमने पब्लिक में बच्चे को मार के उसकी इज्जत नफ्स, जिसको अंग्रेजी में माहरीन नफ्सिया जो मेरी तरह के बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, आपने उसकी सेल्फ एस्टीम कर दी हर्ट, क्रश कर दी। मुझे मार पड़ती थी बच्चे। हैदर जैसी माँ को और हुमैरा जैसे वालिदैन को हमारा मशवरा यह है कि ऐसे में कुछ नहीं करें, घर वापस जाएं, बच्चों को उस बच्चे को सबके सामने नहीं, प्राइवेटली अकेले में तन्हाई में बिठा के पूछें कि बेटा उस वक्त मैंने आपको ये कहा, विश में किसी और प्रोग्राम में इस पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप पूछें, वो फ्लम ओके पे ये नहीं कहना तुम बदतमीज हो, तुमने मुझसे बदतमीजी की, नेवर यूज अ वर्ड, क्योंकि आप उसके माथे के ऊपर लेबल लगा रहे हैं कि तुम बदतमीज हो, एक दफा दो दफा और नहीं किया तो पूरा घर कहेगा ये बड़ी बदतमीज है, ये बड़ी बदतमीज है, फिर वो कहती ठीक है मैं तो बदतमीज हूं, वो बड़ी हो जाती है जब, राइट, तो फिर कहती मैं तो हूं बदतमीज, तो बड़ी बहन की इज्जत भी नहीं करती, वो बड़े भाई को कुछ नहीं समझती, फिर पूरा घर उनसे डरता है, क्योंकि बचपन में आप ही ने उसके माथे पे लेबल लगाया कि तुम बदतमीज हो। सो हमने पूछना है कि बेटा वो उस दिन हम रेस्टोरेंट में थे, आज हम रेस्टोरेंट में थे और वहां पे ये हुआ, मैं आपके पास आया, मैंने आपको, जब मैं आपके पास आई मैंने आपको ये कहा और आगे से आपने ये किया, तो आप पूछते हैं कि जब आप ये कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो आप ये ना समझें कि वो 5 साल की बच्ची को समझ नहीं आ रही, सारी समझ है, तो वो उससे जवाब मांगे, हो सकता है आपको बाईपास कराए, आप जवाब मांगे और फिर उसको कहें कि उस लम्हे में जब आपने ये किया सबके सामने मुझे ये फील हुआ, आप कहें मुझे बुरा लगा, आप कहें मुझे तकलीफ हुई, आप कहें मैं थोड़ी सी हर्ट हुई, तो आप चाहती हो कि आपकी मामा या आपके बाबा इस तरह बार बार लोगों के सामने आपकी वजह से हर्ट फील करें, तो बच्चे ऑफ कोर्स कहेंगे नहीं, तो फिर आप फौरन कहें तो बेटा अगली दफा अगर कभी इस तरह हो तो आपके ख्याल में आप क्या करेंगी, व्हाट विल यू डू, इसका एक वर्जन और भी है, अगली दफा अगर तुमने ऐसा किया ना तो फिर देखना, ये क्या है धमकी, तो बच्चों को धमकी नहीं देनी है, बच्चों से कमिटमेंट लेनी है, तो आपके अगली दफा ऐसा हुआ तो बेटा आप क्या करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स कहेंगे बाबा मामा आई एम नॉट गोना डू दिस, मैं आपके साथ इस तरह बदतमीजी पेश नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे दैट्स माय गर्ल, वो जिसने इस तरह किया आई थिंक दैट वॉज नॉट यू, दैट्स माई गर्ल, और फिर अगली दफा जब वो अच्छा बिहेव करे उसको एक चॉकलेट एक टॉफी रिवॉर्ड के तौर पर दे दें, दिस इज हाउ यू ट्रीट योर चिल्ड्रन, और इस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते बता के नहीं दिखा के। खवातीन हज़रात हमारे शो का पहला राउंड हुआ मुकम्मल, आई एम गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स, हमारी टीम 1 ने स्कोर किया है 130, ओह यस, और हमारी टीम 2 ने स्कोर किया है 113। तुम लोग इनको पहले राउंड में बीट करने में कामयाब हो गए, एक दूसरे को बोल लो शाबाश तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो। तो नाज़रीन हमारे शो के पहले राउंड के इख्तिताम पे टीम 1 ने क्लियरली बीट कर दिया है टीम 2 को, और अब पहुंच गए हैं हम उस खतरनाक मरहले पे जहां पे दोनों टीमों को अपना जो टीम का वीकेस्ट लिंक है जिसकी वजह से टीम हार रही है उसको इस खेल से इलिमिनेट करना पड़ेगा, गेम से निकालना पड़ेगा। आपने खामोशी से सोचना है और जब मैं कहूं तो माइक में उस बंदे का नाम लेना है अपने अलावा जिसको आप समझते हैं कि यहां पे नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से आपकी टीम स्कोर नहीं कर पा रही। सो वी स्टार्ट विद यू हुमैरा। ज़ारा। ज़ारा को आप इलिमिनेट करेंगी। ज़ारा किसको इलिमिनेट करेंगी? हैदर को। हैदर को। हैदर तुम किसको इलिमिनेट करोगी? ज़ारा को। ज़ारा। सो ज़ारा? यस। आई एम सो सॉरी यू हैव टू गो। ओके। यू वर प्लेइंग रियली वेल। But you have to go. Good luck. किसको? सुहाना किसको? नाम लो। आतिफ। आतिफ। बस आतिफ। कुड़ियाँ मिल गई हैं। अब तू जाएगा। हम जाएगा। You are playing very well. हम जाएगा तो कोई दूसरा आएगा। Yes. You are playing very well, but I'm afraid you got to go. खवातीनो हज़रात इन्होंने अपनी टीम से निकाल दिया
जारा को और इन्होंने निकाल दिया आतिफ को। अब ब्रेक के बाद ये राउंड टू आतिफ और जारा के बगैर कैसे खेलते हैं ये देखने के लिए स्टे विद अस, विल जॉइन यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द केसर अब्बास शो। हम पहुंच गए एलिमिनेशन राउंड के ऊपर। आप लोगों ने अपनी टीम के एक एक मेंबर को निकाल दिया, आपने जारा को निकाल दिया। अगर जारा आपकी टीम की हाईएस्ट स्कोरिंग प्लेयर थी, उसने आप लोगों के लिए 55 स्कोर किया और तुम लोगों ने आगे से क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया और तुम लोगों ने आतिफ को निकाल के बिल्कुल सही किया। तालियां। ओके, इस राउंड के अंदर हम कुछ इस तरह से खेलते हैं कि ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। आपको हम अप्रॉक्सीमेटली 6 ऑप्शंस दिखा रहे होंगे, उनमें से आपने चूज कर रहे हैं और ये रिलेटिवली आसान राउंड है, मुश्किल मरहला गुजर चुका है। इस राउंड में सिर्फ 2 क्वेश्चन है और देखते हैं कि कौन जीतता है। इस बार पहला क्वेश्चन में पहला सिनेरियो में आप लोगों से पूछता हूँ। हेडर जी सर, आपके शोहर ने जी आपके शोहर ने सुबह एक मीटिंग में जाना है जी, और रात को वो अपनी फेवरेट शर्ट आपको इस्त्री करने के लिए देते हैं जी, और बेध्यानी में आपसे वो जल जाती है। अब आप क्या करेंगी? ऑप्शंस बता देंगी, खामोश रहेंगी। ऑप्शन नंबर 5 क्या? झूठ बोलूंगी कि वो शर्ट धुलने गई हुई है। झूठ बोलेंगी कि वो शर्ट धुलने गई हुई है। हाईएस्ट स्कोरिंग पॉइंट था, यू गॉट 30 पॉइंट्स। यस, वेल डन एडर। इससे ज्यादा किसी पॉइंट के नंबर्स नहीं थे किसी और ऑप्शन के, यू गॉट 30 पॉइंट्स। और सादिया खामोशी से कोई और शर्ट प्रेस कर दूंगी। खामोशी से और शर्ट इस्त्री करेंगी तो आप एक बड़ी समझदार बीवी साबित हुई हैं। आपको मिलेंगे पूरे 22 पॉइंट्स, नॉट बैड। उमेरा कहीं मिल नहीं रही, six, मिल नहीं रही। आप कहेंगी कि कहीं शर्ट मिल नहीं रही तो ये बहुत अच्छा बहाना है। और अब पता चला ये जो हमारी बीवियां कहती हैं कि शर्ट मिल नहीं रही, असल में उस शर्ट के साथ हुआ क्या था अब पता चला। सो मेरी बीवी समेत सारे पाकिस्तान की बीवियों को मिल रहे पूरे 15 पॉइंट्स। वेल डन, और वो भी हमारी शर्टें जलाने के ऊपर। सुहाना बस आप उसी वक्त बता दें, आप उसी वक्त बता देंगी तो आप एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। उसी वक्त बताएंगी, सच बोलेंगी। तो पाकिस्तान में 12% बीवियां हैं जो शोहर को सच बोलने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुहाना एंड टीम। इसी ये जो बीवी का ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन चूज करती है, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा पता चलता है कि उसका शोहर कैसा। वो जैसा ऑप्शन चूज करेगी तो कोई माहिर नफ्सियात बता सकता होगा उसका शोहर कैसा। अगर वो सच बताएगी तो इसका मतलब है कि उसको ट्रस्ट है कि मेरा शोहर कुछ नहीं कहेगा। वो छुपाती इसलिए है, वो झूठ इसलिए बोलती है क्यों गुस्सा करेगा, उसको लगता है कि मेरा शोहर बहुत नाराज होगा, उसको आपके रिएक्शन का डर है। सही बात। तो शोहरो, आप लोगों से गुजारिश है कि इतना दबा के मत रखो, इतना गैप ना क्रिएट करो कम्युनिकेशन का कि किसी को आपको सच बताने की बजाय आपसे झूठ बोलना पड़े। सो यहाँ पे जो रिलेशनशिप गैप है उसको अंडरस्टैंडिंग से, उसको हार्मनी से, उसको कम्युनिकेशन से फिल आउट करने की कोशिश कीजिए। एंड हियर कम्स द स्कोर। ख्वातीनो हजरात, विला की तरफ दोनों टीमों का सफर जारी है। जीतने वाली टीम को मिलेगा उनके ख्वाबों में बसने वाला खूबसूरत घर अलिफ टीवी की तरफ से। और मुझे लग रहा है कि टीम 1 की स्पीड विला की तरफ थोड़ी तेजी से बढ़ रही है। सो यू गॉट 175 पॉइंट्स, ग्रेट, वेल डन। और टीम 2 बहुत अच्छा खेल रहे थे शुरू में, आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है, आप पहुंच गए 147। अब मैं तुम लोगों की तरफ देख के कह रहा हूँ शाबाश, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, एक्सलेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस शॉर्ट में, जिसमें अगेन हम आपको ऑप्शंस दिखाएंगे और इस बार पहला जवाब देने का इख्तियार आपके पास होगा। तो नेक्स्ट सिनेरियो में आप लोगों से पूछता हूं, आपके बेटे ने अपना रिजल्ट कार्ड छुपा के अपने बैग में रखा, वो इत्तफाकन उसके बैग से कुछ ढूंढते हुए आपके हाथ लग जाता है। आपका बेटा अभी 6-7 साल का है और आप रिजल्ट कार्ड निकाल के देखते हैं तो रिजल्ट भी बहुत ही बुरा है।
आप क्या करेंगे? ऑप्शंस, उसे डांटेंगे, इंतजार करेंगे कि वो खुद ही बता दे, उसे लेक्चर देंगे, उसे मारेंगे, स्कूल के उस्ताद से शिकायत करेंगे, या फिर बीवी से गिला करेंगे कि तुम बच्चे की तरबियत सही नहीं करते। बीवी से तरबियत की शिकायत करेंगे। आप बीवी से तरबियत की शिकायत करेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे 13 पॉइंट्स। ऑलराइट, उमेरा। सर उसके उस्ताद से शिकायत करेंगे। उस्ताद से शिकायत करने के मिलेंगे पूरे 14 नंबर। गुड वन। सादिया तुम छक्का लगाओ अपनी टीम के लिए। मेरे पास 22 पॉइंट्स का एक स्कोर मौजूद है। लेक्चर देंगे। आप उसे लेक्चर देंगी तो आपको मिल जाएंगे, ओह माय गॉड, 22 से भी ऊपर का मेरे पास एक ऑप्शन था, लेक्चर देंगे। सो यू गॉट 27 पॉइंट्स। वेल डन। इसका मतलब है कि 22 वाला अभी भी बाकी है, हेडर के हाथ में है। उसे मारेंगे। तुम उसे मारोगे तो तुम्हें मिलेंगे सिर्फ 11 पॉइंट्स। तुम मारने के अलावा कुछ करते नहीं हो। ऑलराइट, 22 पॉइंट से उसे डांटने के, तो समझे कि 22% पाकिस्तानीज ने कहा कि डांटेंगे और 11% ने कहा मरेंगे, और उस्ताद से शिकायत करने के 14 अपनी जगह पे। सो इससे पहले कि हम आपको इस राउंड के स्कोर्स बताएं, यहाँ पे फिर मैं वालिदैन से मुखातिब होना चाहूँगा, और यही इस शो का असल पर्पज है कि हम इस कुछ शो की आड़ में घर के इनाम का दिखा के लोगों को यहाँ पे बुला के उनसे ये इंटरेस्टिंग सवाल जवाब करके अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी फैमिली के लोगों को, असातिज़ा को, बॉसेस को छोटे छोटे टिप्स दें और उनकी तरबियत का थोड़ा सा एहतमाम करें, जिसमें वो खेल ही खेल में कुछ कीमती लेसन्स सीख जाए। तो यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो, ख़वातीन और हज़रात, दो इशूज हैं। पहला इशू है कि बच्चे का रिज़ल्ट बहुत बुरा है, और दूसरा इशू है कि उसने वो रिज़ल्ट आपसे छुपा भी लिया। तो अगर आप एक अच्छे बाप, समझदार बाप हैं और आपको थोड़ी बहुत बच्चों की नफसियात मालूम है, वैसे मैं यहाँ पे रुक के कहूँगा कि सारा दिन आप यूट्यूब के ऊपर और फ़ोन के ऊपर बिजी रहते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ देखते हैं, तो अगर 5-10 मिनट निकाल के ये देख लें कि बच्चा झूठ बोले तो क्या करना चाहिए, बच्चा अगर रिजल्ट छुपा ले तो क्या करना चाहिए, बच्चे को डांटने के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, पनिशमेंट के मुतबादलात क्या हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और बाय द वे, बच्चों की तरबियत से बड़ा मामला तो आपकी ज़िंदगी में और कोई होना नहीं चाहिए। सो ख़वातीन हज़रात, आपके बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड छुपाना, वो ये शो करता है कि आपके और उसके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट है। उसको ये भरोसा नहीं है कि मैं अपना ये रिज़ल्ट कार्ड ला के अपने माँ बाप को दिखाऊंगा तो मैं महफूज हूँ। तो मेरी आप लोगों से यहाँ पे गुजारिश है कि अपने बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करें, बात करें। अब सब कहेंगे बात तो करें, लेकिन बात करने का तरीका क्या है? उस कॉन्वर्सेशन में आप कहते हैं कि बेटा आपका रिजल्ट कार्ड आपके बैग में छुपा, आपने मुझे नहीं दिखाया। उसे वजाहत का मौका नहीं, हो सकता है वो खुद कुछ बोले, वो कहे बाबा मैं तो आपको बताने वाला था, मामा मैं भूल गया। उसको दीवार से मत लगाएं, उसको कहे ऑल राइट, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ही होता कि तुम आके एक्साइटमेंट से दिखाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ कि मेरा कोई रवैया या मेरा कोई बिहेवियर आपको इनहिबिट कर रहा है कि आप आके खुल के मुझसे ये बात ना कर पाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे चीज़ें छुपानी पड़ रही है? वो कहेगा या कहेगी बाबा मामा आप कुछ नहीं कर रहे, या वो स्पेसिफिकली बताएंगे कि मुझे आपसे डर लगता है। तो फिर आप उनको कहेंगे कि बच्चे याद रखो, तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी हो, एंड दिस वर्ड आई से टू माय ओन सन, आपका रिजल्ट कुछ भी है, मैं तुम्हारी साइड पे हूं, आई एम नेवर गोना पनिश यू। आप जो भी करो, गलती करो, तो दुनिया में एक जगह है जहां पे आके आप सेफ हो, और वो कौन सी जगह है? वो ये घर है। वो माँ कहेगी ये मेरी आगोश है, इसमें तुम महफूज हो। बाप कहे कि तुम मेरे पास आओगे, कुछ भी बताओ, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, बजाय इसके कि मुझे कोई और बताए। उसने जरूर, बच्चे ने अपने दोस्तों से मशवरा किया, उसने कहा होगा मैंने तो फाड़ दिया था, तुम भी छुपा दो। तो जब बच्चों को मशवरा देने के लिए माँ बाप मौजूद नहीं है, तो फिर वो उनसे मशवरा करते हैं जिनके मशवरे की कोई वक़्त और कोई हैसियत नहीं है, जहाँ से सही मशवरा मिलने का इम्कान नहीं। तो आपको बच्चे के साथ अपने गैप को कम करना है, बच्चे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, और उसको हर रोज बताना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई उनको कह सकते हो जिनसे कोई रिश्ता नहीं है,
जो कौम के खिलाड़ी है बिल्कुल है, रिश्ता तो है मगर खून का रिश्ता थोड़ी है। अगर उनकी गलतियों के ऊपर बड़ी जल्दी से गाने गाते हो तो अपने बच्चों के ऊपर इतने इतने जलाद क्यों बन जाते हो, अपने बच्चों के ऊपर इतने जालिम क्यों बनते हो, उनको भी गले लगाओ। अगर आप गलतियों पे उनको गले नहीं लगाएंगे तो फिर कौन लगाएगा? आज वो छोटी गलती करके आपसे छुपाएंगे तो कल को बड़ी गलती आपसे कैसे आगे शेयर करेंगे? सो दिस इज द टाइम टू बिल्ड एंड एस्टैब्लिश एक सॉलिड ग्रेट रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। सो खवातीन हज़रात, अब मरहला पहुंच गए जिसमें हमें अनाउंस करना है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम घर जा रही है और कौन घर की तरफ जा रही है। खवातीन हज़रात, दूसरे राउंड के इख्तिताम पे टीम टू ने स्कोर किया 187, गुड जॉब, और टीम वन इस बार लीड कर रही है और इनका स्कोर है पूरा 200। यस, और इस स्टेज के ऊपर आपको याद होगा आप बड़े से ये शो देख रहे हैं कि हम इलिमिनेट करते हैं आपकी टीमों के अंदर से एक और बंदा, और इस बार ये इख्तियार हम दे रहे हैं आपकी टीम में से जारा को और इनकी टीम में से आतिफ को। आतिफ और जारा, तुम लोग वापस आ सकते हो, शाबाश, तुम आ सकते हो। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जारा कम है, आजा आजा, कुछ नहीं होता यार। जारा, इन दोनों में से तुम किसको निकालना चाहोगी? बदला लेने का वक्त आ गया। तुम हुमैरा को निकालना चाहोगी? ऑलराइट, और तुम किसको निकालोगे? सुहाना। सुहाना और हुमैरा, तुम दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन इन दोनों को तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए हो, तो तुम दोनों को बड़े दुखी दिल के साथ मुझे इस शो में से बाहर निकालना पड़ेगा। मगर वापस तुम भी नहीं आए हो, तुम लोग भी वापस जाओगे। इनको ले जाओ, हाथ पकड़ो, ले जाओ। खवातीन हज़रात, ये खेल होता जा रहा है बहुत ही इंटेंस, मुझ में हिम्मत नहीं है कि अब इस खेल को मैं मज़ीद जारी रखूं। आई थिंक आई नीड अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं दी कैसर अब्बास शो और ये फाइनल स्टेज आन पहुंची है। आप देख रहे हैं तीन तीन खिलाड़ियों से टीमें शुरू हुई थी और यहाँ पे आपको जारा नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको हुमैरा नहीं दिख रही, इधर आपको आतिफ और सुहाना, सुहाना की जगह पे आ गई है सादिया, और ये दोनों कम्पीट कर रहे हैं अपनी टीम्स के बिहाफ पे। और इनके टीम के वो बेवफा लोग हैं जिन्होंने जिनको इन लोगों ने निकाल दिया और अब ये अकेले हैं, देखते हैं अकेला वो जो उठा पाते हैं कि नहीं। ये लास्ट स्टेज है, एक एक स्ट्राइक आप ले सकते हैं और एक स्ट्राइक के ऊपर मतलब एक बॉल के ऊपर आप सबसे बड़े से बड़ा स्कोर करेंगे और जो ज्यादा बड़ा स्कोर करेगा वो टीम क्वालिफाई करेगी फॉर द बिग प्राइज विच इज अ हाउस विच इज अ विला विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइजेस एवर। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसको जीत सकते हैं मजाक ही मजाक में, खेल ही खेल में, सीखते सीखते। और आपका स्कोर है 200 और आपका स्कोर है 187, और आपको एक ही बॉल के ऊपर कुछ ऐसा स्कोर करना है जिससे मेरे पास छक्कों के इम्कानात मौजूद हैं, आप चाहें तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। आई एम ऑन बोथ साइड्स, मेरी ख्वाहिश है कि आज आप दोनों में से एक टीम ये विला जीत के जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ ये घर जो है अलिफ टीवी ने रखा है, ये मैंने घर नहीं लेके जाना, ये इसीलिए कि ये आपके घर में कन्वर्ट हो जाए एंड यू स्टार्ट लिविंग। हम आपको बुलाएंगे। क्वेश्चन है, आप ऑफिस जा रहे हैं और बारिश हो रही है और ऑफिस के बाहर बारिश के अंदर से गाड़ियों आप चलाते हैं और किसी के ऊपर पानी के बहुत ज़्यादा छींटे गिरते हैं, और जब आप अंदर जाते हैं आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप अचानक देखते हैं कि वही शख्स जिसके ऊपर आपने पानी गिराया था वो सामने इंटरव्यू देने के लिए आगे बैठा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहले पूछा था, सो इस बार ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ, हैदर क्या करें? सर मैं उनसे माजरत करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा और उनको जॉब पे रखूंगा। आप उनसे माजरत करेंगे तो आप अपनी टीम के लिए जीतेंगे पूरे 21 पॉइंट्स, शाबाश, एक्सलेंट। और सादिया, आप क्या करेंगी? माजरत हो चुकी है, कोई ज्यादा पॉइंट्स वाला आंसर है अभी? पॉइंट्स तो बहुत है। वो जॉब इंटरव्यू देने आए हैं, वो इंटरव्यू वही जिसके ऊपर आपने पानी गिराया था, मैं उसे
सिंपली जॉब दे दूंगी। आप उसे जॉब दे देंगी? वाओ, अगर आप उसे जॉब दे देंगी तो आपको मिल रहे पूरे 20 पॉइंट्स। गुड शॉट। सो इतना ज्यादा गिल्टी फील किया है सादिया ने कि उसको सीधी जॉब ही दे दी है। राइट। सो इससे पहले का फाइनल स्कोर बताएं, मैं जो ऑडियंस देख रही है हमारे टीवी पे व्यूअर्स, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब पहली मर्तबा मैंने किसी पे पानी बारिश का गिराया तो वो सही मौका था पहला मेरे हाथ में कि मैं अपनी गलती की तलाफी करूँ, रुक के उसे माजरत करूँ। सो आपके पास दूसरा मौका है अपने कैरेक्टर को दिखाने का, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। थैंक यू। सबसे पहले माफ़ी मांगे, और जहाँ तक मामला है जॉब देने का, जॉब का ताल्लुक आपसे नहीं है, जॉब का ताल्लुक कंपनी के साथ। तो अगर आपको लगता है कि वो शख्स कंपनी के लिए सही है तो जॉब ऑफर करनी चाहिए। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए किसी को जॉब दे देना मे नॉट बी द राइट स्ट्रेटजी। ख्वातीनों हजरात, दोनों टीमों के आपस के मुकाबले का वक्त खत्म हो गया। अब दोनों में से एक टीम होने लगी एलिमिनेट और सिर्फ एक टीम जाएगी खेलने के लिए फॉर द विला। तो सबसे पहले टीम टू, आपने स्कोर किया इस पूरे कॉम्पिटिशन में अब तक अक्यूमुलेटिवली 207। गुड सादिया, वेल डन। और टीम वन ने अब तक का कुल स्कोर किया है 221। Yes. So you won the round. Thank you so much. And you are going to qualify for the final round, जिसमें आप किस्मत आजमा सकते हैं। तीन स्ट्राइक के बाद आप जीत सकते हैं अपने ख्वाबों में बसने वाला खूबसूरत घर। और सादिया, थैंक यू सो वेरी मच, और आपकी टीम को भी, अपनी टीम को भी मेरी तरफ से आप राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। एंड हियर वी हैव हैदर। हैदर आ गया, गिव मी अ हाई फाइव, यू प्लेड रियली वेल। तुम लोगों को तुम्हें एलिमिनेट करने की किसने कोशिश तो की थी, यू कैन गो बैक, और मगर तुम डटे रहे, जमे रहे, तुमने छक्के मारे। अब ये बताओ कि फाइनल राउंड जो घर के लिए, वो अकेले खेलना चाहोगे या वुड यू लाइक टू ब्रिंग योर टीम बैक? सर, मुझे एलिमिनेट करने की जिन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरा दिल उनके लिए साफ है, तो लिहाजा मैं अपने टीम मेंबर्स को दोबारा वापस मैंने कहा कहने लगे जिन्होंने मुझे एलिमिनेट किया, मैं उनको एलिमिनेट करके रख दूंगा। नो सर। सो यू वांट देम बैक? दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो यू वांट? ऑलराइट, सो हुमैरा एंड ज़ारा, यू कैन कम बैक। तो हुमैरा और ज़ारा वापस आके कैसा लग रहा है? आई एम सो हैप्पी। यू आर एक्साइटेड? आपको लगता है कि फाइनल राउंड में आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। कितना यकीन है? सारे राउंड जीते हैं तो ये भी जीत जाएंगे। गुड। आप एक दूसरे की तरफ देखिए यकीन के साथ और कहिए शाबाश, तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो। ऑलराइट, माइक के थोड़ा करीब रह के बोलना है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सिनेरियो, तीन स्ट्राइक्स, और तीन स्ट्राइक्स के बाद जो टोटल स्कोर आपका होना चाहिए वो है 68, और मेरे पास एक स्ट्राइक ऐसी है जिसमें, और मुझे पता है कि आप वो कर लेंगे बिकॉज वो बड़ा ऑब्वियस सा जवाब होगा, उस एक स्ट्राइक के आपको मिलेंगे 32 पॉइंट्स। सो मैं आपकी साइड पे हूं, मैं चाहता हूं कि ये विला आप जीत के जाए, इसलिए आई एम मेकिंग इट इजी फॉर यू। 68 टोटल करना है, 32 की एक स्ट्राइक है जो ऑडियंस सुन रही है कि आप कर लेंगे, तो बाकी फिर दो स्ट्राइक्स में कोई रफली आपको 30-32 करना है, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि वो हो जाएगा। सवाल गौर से सुनिएगा, आप सिर्फ एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आप डिसाइड भी कर सकते हैं मशवरा करने के बाद। सिनेरियो ये है कि आपके पास महदूद रकम है जो आपने अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए एक महंगे अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन के लिए बचाई है, लेकिन एडमिशन से डेडलाइन से पहले डॉक्टर बताता है कि आपके वालिद की आंखों का एक बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होना है, पैसे वही हैं, क्या करें? मशवरा कर लें, कोई जल्दी नहीं है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टेज। ऑल राइट, बारी 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 बारी, यू रेडी? यस। आपने अपने जवाब सोच लिए? अलग अलग होना चाहिए, अपना अपना जवाब देना है। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं हुमैरा से। सर, पहले इलाज करवाना चाहिए क्योंकि एडमिशन तो हम बाद में भी करवा सकते हैं, ये जिंदगी का सवाल है। आप वालिद की आंखों का ऑपरेशन पहले जी जी कराएंगी जी, और बच्चे को महंगे स्कूल में जो भेजने का ख्वाब था वो चूर चूर? सर, वो मैं बाद में करवा लूंगी, लेकिन पहले वालिद की
आंखों का सवाल है तो header, वो पहले ऑपरेशन करवाना जरूरी है। आप इनसे एग्री करते हैं जो ये बोल रही है? राइट सुखावती रोजरात, ये सवाल हमने इप्सोस के जरिए पाकिस्तान से पूछा, तो जिन लोगों ने कहा कि हम अपने वालिद का ऑपरेशन पहले कराएंगे उनकी टोटल तादाद है 32%। यस राइट, तो हुमैरा आपने वापस आते टीम के लिए एक बहुत बड़ा छक्का मार दिया। ऑलराइट, और अब मैं पूछूंगा नेक्स्ट आपसे। यप ओके सर, आप क्या करें? सर मैं किसी से उधार पकड़ूंगा, अपनी बच्ची का एडमिशन भी करवाऊंगा और वालिद साहब का इलाज भी करवाऊंगा। अगर आप उधार लेंगे और दोनों काम करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको दे देंगे पूरे 10 points। तालियां। आपने इत्तेफाक से ऐसा ऑप्शन चुना है जो सेकंड लोएस्ट है, एक इससे भी लोएस्ट है जिसके 9 points हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या है, लेकिन मेरे पास अभी भी ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हम 20 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे दरमियान ये जो सुपर मॉडल है ज़ारा, सारे के सारी जिम्मेदारी ज़ारा के नाजुक कंधों पे आ गई है। ज़ारा सोच लो। ऑल राइट भाईजान, बस करो दोस्तों, आई अंडरस्टैंड बड़ा सेंसिटिव मामला है और ज़ारा के जवाब के ऊपर इन्हसार है कि आप बिला जीते कि नहीं जीते। बाप का इलाज जरूरी है, पहले हम इलाज करवाएंगे। वो और... तो हो गया ज़ारा, उन्होंने कह दिया था इलाज कराएंगे तो उसके 32 points। सर मैं बोलूँ उसकी तरफ? नो नो नो, आप बोले। उसका एडमिशन लेट करवा देंगे हम। उसका एडमिशन लेट करवा देंगे जी, बाप का इलाज भी जरूरी है। ऑलराइट ज़ारा, आर यू श्योर? आपके इस जवाब को सील कर दूं मैं, बंद कर दूं लिफाफे में, ऊपर टेप लगा दूं? एडमिशन लेट करवा देंगे हम, बाप का इलाज पहले करवाएंगे और एडमिशन बाद में करवा देंगे। एडमिशन बाद में कराएंगे, ऑफ कोर्स एडमिशन फिर डिले हो जाएगा जी, और वो तो डिले हो ही जाएगा जी ऑटोमेटिकली, लेकिन कोई और तरीका आप बताएंगी तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे सकूं। ये तो ये बता चुकी हूं मेरा, मैं चाहूं तो 0 दे के बंद कर दूं इधर। स्कूल जाऊंगी और बोलूंगी कि अगर आप एडमिशन कर दें तो पैसे बाद में हो जाएंगे। स्कूल के साथ डील करने की कोशिश करेगी? नो यू आर टॉकिंग सेंस। अब आप एक सीरियस ऑप्शन ट्राई कर रही, इसको सील करूं? यस यस, बंद कर दूं? यस पक्का? यस, फिर मुझे ना कहना, मैं वार्न कर रहा हूं। यस, मैं वार्निंग दे रहा हूं। एडमिशन हो जाएगा तो पैसे नेक्स्ट मंथ कर देंगे इकट्ठे कर देंगे। मतलब आप स्कूल में जाके रिक्वेस्ट करोगी कि एडमिशन कर लो, पैसे बाद में आ जाएंगे जी। राइट यस, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जिनके घरों में माँ बाप मौजूद हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पैसों को उनकी ज़ात के ऊपर खर्च कर सकते हैं, आई बिलीव वो बे इंतहा खुशकिस्मत हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके एक तरफ माँ बाप मौजूद हैं और दूसरी तरफ बच्चे मौजूद हैं, दे हैव अ चॉइस कि वो अपने पैसों को अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करें या अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें। और मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि उनके माँ बाप तरस रहे हैं दवाइयों के लिए, तरस रहे इलाज के लिए, तरस रहे ज़रूरतों की छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और वो अपने माँ बाप को जाके कहते हैं सॉरी मुझसे तो अपने खर्चे पूरे नहीं होते, मुझसे तो बच्चों के अखराजात पूरे नहीं होते, दे हैव एन एक्सक्यूज। सो मैं कहता हूँ अगर आपके माँ बाप मौजूद हैं, आप खुशकिस्मत हैं, इस कायनात में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बे इंतहा पैसे हैं, जिनके पास ज़रूरत की सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो तरसते हैं कि उनमें से एक रुपया भी अपने माँ बाप के लिए वो खर्च कर सकते हो, बिकॉज माँ बाप उनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। सो आपकी खुशकिस्मती है अगर आपके माँ बाप मौजूद हैं, उनकी परवाह करें, उनका ख्याल रखें
और उनकी कदर करें। सो इट्स अ वेरी गुड चॉइस कि पहले माँ बाप का ऑपरेशन होगा, उसके बाद तालीम होती रहेगी। इट्स अ वेरी गुड चॉइस। और आपने जाके ये कहा कि स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे और अगर वो मान जाते हैं तो बात की बात है, अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको दे सकते होंगे पूरे 21 पॉइंट्स। और अब हमारी स्कोरिंग टीम हमें बता सकती होगी कि हम कहां पे पहुंचे। ओह माय गॉड, माय स्कोरिंग टीम इज टेलिंग मी यू रीच 63। You reached 63 and you required 68. और हैदर, अगर आप 10 पॉइंट्स की बजाय ये कहते कि बाप का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल से करवा लेंगे तो आपको मिलते 15 पॉइंट्स। और अगर आप कहते कि हम कोई घर की चीज बेच के पैसे जमा कर लेंगे तो आपको मिलते 13 पॉइंट्स। तो अगर आप 15 वाला ऑप्शन ले लेते तो आप 68 को हिट कर सकते थे बड़ी आसानी से। यू वर सो क्लोज एंड यू प्लेड आई थिंक फैंटास्टिकली वेल। आपके विला ना जीत, जब कोई जीतता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट मैं करता हूँ। और मैं यहाँ पे खड़ा इसलिए हूँ कि ये विला यहाँ से लोग जीत के चले जाएँ, बिकॉज आर स्पॉन्सर्स आर वेरी जेनरस। वो कहते हैं कि ये बांट दो, और मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये बांट दो तो मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है। जब मैं पहली बार लाहौर में आया था तो मैं खुद बेघर था, और आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैं अलिफ टीवी की वसादत से ये घर बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अंदर से चाहता हूँ कि लोग जीतें, और मैंने आपके 21 पॉइंट्स ज़बरदस्ती आपको दिलवाए, वो ज़ीरो भी हो सकते थे। आई वॉन्टेड यू टू विन एट इट इज़ एंड 4 पॉइंट्स के फासले से You lost. क्या फील कर रहे हैं आप इस वक्त? बहुत बुरा। हाँ, बड़ा बड़ी तकलीफ महसूस हो रही। आपकी फीलिंग? जो नसीब में था बस। जो नसीब में था जी। एंड यू, क्या एक कोई बात जो आप सीख के जा रहे हैं यहाँ से, वो क्या? सीख के तो ये जा रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छी बातें आज आपने बताई, बड़ी खुशी हुई है। पहली बात तो ये है कि काफ़ी खुशी है कि इस मुकाम तक पहुंचे, कि हम एक घर तकरीबन करीब करीब भी थे फाइनल स्टेज पे आप पहुंचे। फाइनल स्टेज पर पहुंच कर इस तरह जाना तकलीफ तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर, क्या पता इससे कोई बेहतर हो। ज़ारा, मज़ा आया? मज़ा तो आया। यू गाइस प्लेड वेरी वेल, आई थिंक यू डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जोरदार ताली आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, यू स्टे हियर विद अस। और मुझे आप लोगों की एनर्जी और एक्साइटमेंट जब मैंने शुरू में देखी थी तो मुझे एहसास हुआ था कि यू गाइस इंशाल्लाह गोना विन। और आपने जिस तरह इनसे गेम को छीना, पहले आप हार रहे थे, बाद में अचानक आपने बाजी पलटी, दैट वाज फैंटास्टिक। आप जीते तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है? अब भी हम खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, आई एम ग्लैड कि अभी भी आप खुश हैं। जो लोग वहाँ पे टीवी पे हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमें से अक्सर लोग खुश रहना चाहते, लेकिन हमारी खुशी जो है ना कहीं गुम हो गई। और वो तमाम लोग जो उस गुमशुदा खुशी की तलाश में है, उनसे गुजारिश है कि राइट नो इसी लम्हे अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उनमें से किसी के चेहरे के ऊपर ज़रा सी खुशी लाने की खालिस कोशिश करके देखिए। अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगियों में ज़रा सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी वजह से किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो आपकी अपनी गुमशुदा खुशी खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट द कैसर अब्बास शो। टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।